असलम एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी आई एम हेयर विद अनादर लेक्चर माई लेक्चर नंबर इज़ वन टी थ्री फॉर क्लास टेंथ जिसमें हम लोग यूनिट नंबर सिक्सटीन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इन दिस यूनिट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन दी मेटलर्जी मेटेलर्जी मतलब जब आप अर्थ के सरफेस के अंदर से बरिड मेटल्स को निकालते हैं उनको प्योर फॉर्म में लेके आएँ सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल लेस मेटलर्जी तो इसमें हमने सबसे पहला स्टेप क्या था सबसे पहला प्रोसेस क्या था जो कि इन्वॉल्व था देट वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर आप जो ओर अपटेन करते हैं फ्रॉम देट इज़ बरेड इन द सरफेस ऑफ अर्थ क्योंकि वो बरड है उसके गर्गिद मुख्तफ किस्म के इम्प्योरिटीज़ अटैचड हैं मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स अटैच हैं सो उनको सबसे पहले रिमूव करना होता है उनको सबसे पहले हटाना होता है so after that the con the ore becomes concentrated Hope कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ गया जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मैक्सिमम अमाउंट में रिमूव हो जाए कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद अब सेकेंड स्टेप क्या है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर अब उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर के अंदर से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करना है आपको मेटल को निकालना है so, इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं दैट इज केमिकल रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हम लोग यहाँ पर केमिकल रिडक्शन की बात कर रहे हैं केमिकल रिडक्शन में पहला प्रोसेस था दैट वॉज रोस्टिंग रोस्टिंग का मतलब था आप उस ओर को लें और उसके उसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर एंड इन द एक्सेस ऑफ एयर तो उसकी वजह से वो मुख्तफ मतलब आगे प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और जैसे कि कॉपर पायराइड था इट ब्रोक डाउन इंटू क्यूपरस सल्फाइड फेरस सल्फाइड एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दैट इज़ स्मेल्टिंग नाउ लेट अस सी वॉट इज दिस मेल्टिंग स्मेल्टिंग के प्रोसेस जैसे कि हमने रोस्टिंग के प्रोसेस में हीट अप किया था स्मेल्टिंग के प्रोसेस में हम लोग फर्दर हीट अप करेंगे रोस्टेड ओर को यानी जो पहले रोस्ट हो चुका है अब उसको फर्दर आप मज़ीद हीट अप करेंगे विथ सैंड फ्लक्स एंड कोक फ्लक्स और कोक की प्रेजेंस में एंड यहाँ पे भी आपने एक्सेस ऑफ एयर प्रोवाइड करनी है इन द ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे आपके बुक में पिक्चर है वो ब्लास्ट फर्नेस उसको यूज़ करते हुए उस फर्नेस के अंदर हम लोग हीट अप मजीद करेंगे उस रोस्टेड ओर को ये जो प्रोसेस होगा दैट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये हीट अप करने का प्रोसेस इससे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी हीट निकलेगी देअर फोर छोटी सी अमाउंट ऑफ कोट इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस क्योंकि एक बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट भी कोक की होगी तो वो चल जाएगी दैट विल बी इनफ टू कैरी आउट दिस प्रोसेस सो इट इज रिक्वायर्ड इन द लिटिल अमाउंट ऑफ कॉक इज़ रिक्वायर्ड सो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग फेरस सल्फाइड हम अपने पिछले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यूप्र जो है कॉपर पाइराइट इट इज़ ब्रोकन डाउन इंटू क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड हम उसी प्रोसेस को लेकर आगे चल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फेरस सल्फाइड है इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड इट विल रिएक्ट विध सैंड क्योंकि हमने यहाँ पे सैंड फ्लक्स और कोक भी लिए हुए हैं सो इट विल रिएक्ट विद सैंड टू फॉर्म आयरन सिलीकेट स्लैग और क्योंकि ये आयरन सिलीकेट स्लैग जो बनेगा इट विल बी लाइटर इट विल राइज ट्रू द टॉप एंड इट विल बी रिमूवड फ्राम दी अपर होल नो लेटस लेटस हैव लुक एट द फर्नेस आई विल ड्रॉ लाइक दिस द स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग इसे हीटअप करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नीचे आप हाँ लोगों ने मेटल लिया हुआ है और यहाँ पे हीटिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ है सो हेयर वी विल स्टार्ट हीटिंग और हीटिंग करने की वजह से जो यहाँ पे आयरन पायराइड बनता है वो जो स्लैग बनता है आयरन सिलिकेट स्लैग दैट विल बी रिमूव फ्रॉम ओवर हेयर बिकॉज इट इज़ लाइटर फर्नेस पूरी ऊपर से कवर्ड है इसको हीटअप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दो चीज़ें यहाँ पे होना ज़रूरी हैं एक है सैंड फ्लक्स और दूसरा है कोक और चूँकि ये एक बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है दैट इज़ वाई कोक की अमाउंट आपने बहुत थोड़ी सी लेनी है क्योंकि एक्सोथर्मिक एक 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 प्रोसेस है इसको ऑलरेडी हीट जो बस जो बिगनिंग में थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी है अदरवाइज ये अपनी हीट खुद बखुद जो है प्रोड्यूस करता जाएगा बींग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सो दिस वॉज अ रफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस मेल्टिंग नाउ लेट एस सी लेट एस हैव अ लुक एट द केमिकल रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग दिस मेल्टिंग प्रोसेस सबसे पहले जिस तरह के मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम लोग लेते हैं टू मोलिक्यूल्स ऑफ कॉपर पायराइड ये रोस्टिंग का प्रोसेस है ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिस कॉपर पायराइड इज कन्वर्टेड इंटू क्यूपरस सल्फाइड फैरस सल्फाइड एंड सल्फर डाईऑक्साइड नाव वी आर गोइंग टू टेक दिस फेरसल्फाइड और इसकी स्मेल्ट इसको स्मेल्टिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे वी विल टेक टू मोलिक्यूल्स ऑफ फ़ेरसल्फाइड यहाँ से स्मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है इसको हीट अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सैंड एंड कोक सैंड एंड कोक का भी यहाँ पे होना ज़रूरी है आयरन विल अटैच विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड अलॉन्ग विद नाओ दिस सल्फ़र इट विल अगेन अटैच विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाई ऑक्साइड और यह गैस जो है इट विल इट इज़ वॉलेटल इट विल राइज अब इट विल भी कैलकुलेटेड फ्राम दर्नेस इसके लिए एक रास्ता निकाल दिया गया है एग्जिट फॉर द गैस टू एग्जिट द सिस्टम दिस गैस हैज़ ग ना दिस फेरस ऑक्साइड ये फेरस ऑक्साइड वहाँ पे जो कि हमने बिगनिंग में सैंड भी ली थी सैंड के सिलिका के साथ रिएक्ट करके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्लैग जिसे हम लोग आयरन सिलिकेट स्लैग कहते हैं एफ आई एस ओ थ्री दिस इज़ आयरन सिलिकेट स्लैग ये स्लैग बन जाएगा जब ये सिलिका के साथ आयरन रिएक्ट करेगा आयरन आयरन फेरस ऑक्साइड और स्लैग जो है बिकॉज इट इज लाइटर इन साइड लाइटर इन वेट लाइटर इन मैस ये बहुत हल्का होता है बिकॉज ऑफ दैट इट विल राइज अबव एंड इट विल बी कलेक्टेड फ्राम द अबव इन द प्योर फॉर्म जबकि ये तो बात होगी यहाँ पर फेरस सल्फाइड uh, की नो सल्फाइड की नो वट हैपन्स टू दिस क्यूपरस सल्फाइड ये क्यूपरस सल्फाइड है इट विल ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्यूपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड एंड इट विल रिएक्ट विद अन रिएक्टेड फेरस सल्फाइड वो बाकी के फेरस सल्फाइड जो अभी तक रिएक्ट नहीं किया ऑक्सीजन के साथ उसके साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फ़ाइड इन दिस वे जो क्यूप्रस सल्फाइड है और फेरस सल्फाइड है दे विल फॉर्म अ मिक्सचर और इस मिक्सचर को हम मेटल कहते हैं इट विल बी विद ड्रॉन द बॉटम ऑफ़ फ्रॉम द लोअर होल एंड इट कंटेंस अबाउट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ कॉपर तो इसको हम इसी तरह सेपरेट आउट कर लेंगे पूरे फर्नेस में से नॉ लेट एस है लुक एट द रिएक्शंस यहाँ पर अभी तक आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप कॉपर पाराइट लेते हैं दिस इज आवर बिगनिंग और जिसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लिया है इसको अब आपने सबसे पहला स्टेप था रोस्टिंग जहाँ पे आपने हाई हीट में हाइय टेम्परेचर यानी हाई हीट और हाई ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाई एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या आप एयर कह लें उसमें रख के आप इसको हीट अप करते हैं तो ये जो कॉपर पायराइट है इट विल ब्रेक डाउन इनटू कॉपर सल्फाइड क्यूप्रस सल्फाइड फेरस सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे दैट विल एग्जिट द सिस्टम बिकॉज इट इज वोलेटाइल गैस और पीछे हमारे पास क्या रह गया है यहाँ पे दैट इज़ फेरस सल्फाइड फेरस सल्फाइड इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग और फेरस ऑक्साइड बना देगा फेरस ऑक्साइड सिलिका यानी सैंड के साथ मिक्स करके सिलिकेट बना देगा इट इज़ लाइटर इन वेट सो इट विल राइज अबव द सिस्टम एंड इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम देअर नाउ व्हाट अबाउट दिस क्यूपरस सल्फाइड क्यूपरस सल्फाइड का क्या होगा वी विल हैवे लुक एट दिस सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज वोलेटाइल, इट हैज एग्जिटेड फेरस सल्फाइड का मैंने आपको भी रिएक्शन बता दिया था नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्यूप्रस सल्फाइड ये हमारे पास क्यूपरस सल्फाइड है इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्योंकि फर्दर जब स्मेल्टिंग के प्रोसेस इसको गुजार रहे हैं तब भी हमने एक्सेस ऑफ एयर प्रोवाइड की हुई है सो दिस क्यूपरस सल्फाइड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू क्यूपरस ऑक्साइड सल्फाइड को रिमूव करके ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू ऑक्साइड बाकी के ऑक्सीजन और सल्फर आपस में मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे एंड दे विल आल्सो लीव द सिस्टम बिकॉज दे आर वॉलेटाइल गैसेस वो भी सिस्टम से निकल गई अब ये क्यूपरस ऑक्साइड है इट विल फर्दर रियक्ट विद अनरिए आयरन सल्फेड आयरन सल्फाइड फैरस सल्फाइड और दिस uh, वी हैव टेकन क्यूप्रस ऑक्साइड नॉट सल्फ़ाइड ये भी फर्दर इस ऑक्सीजन को दोबारा से सल्फर रिप्लेस कर देगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड अगेन इंटू क्यूप्रस सल्फाइड एंड हेयर द सल्फ़र इज़ रिमूव एंड ऑक्सीजन इज़ अटैच सो फर्दर हमें फायरस ऑक्साइड uh, मिल जाएगा सो so ये जो पूरा क्यूप्रस सल्फाइड का क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो कि अनरिएक्टेड थे दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर दे विल फॉर्म अ मॉल्टेन मिक्सचर जिसे हम मेटल का नाम देते हैं मेट का नाम देते हैं एंड इट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द लोअर सरफेस फ्राम द लोअर होल ऑफ़ द चैम्बर उस पूरे फर्नेस में जहाँ पर पूरा काम चल रहा है ऊपर वाला एरिया फिक्स है फॉर द आयरन के आयरन को आपने निकालना है इन द फॉर्म ऑफ दैट सिलिकेट स्लैग आयरन सिलिकेट स्लैग वो अपर सरफेस में कलेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द लोअर वेट लोअर मैथ वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है जबकि अगर लोअर सरफेस की बात करते हैं वहाँ पर एक होल प्रोवाइड किया गया है फॉर दिस क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड जिसे हम मैट भी कहते हैं इनको रिमूव करने के लिए इनमें को रिमूव करके इसके अंदर से जब हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 45 परसेंट ऑफ कॉपर को हम यहाँ से पूरे ओवरऑल पूरे मेट में से 45 परसेंट कॉपर से वो बना होता तो है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं निकाल सकते हैं और फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं सो दिस वाज़ अ प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेस ऑफ एयर हायर टेम्परेचर की मदद से इन द प्रसेंस ऑफ सैंड एंड कोक आपने इस पूरे रिएक्शन को कैरी आउट करवाना है सिर्फ कोक का क्या काम है कि शुरू में हीट प्रोवाइड करना उसके बाद ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है खुद ही अपनी हीट खुद ही इसकी बनती जाएगी और ये रिएक्शन कैरी आउट होता जाएगा सो वी नीड ओनली लिटल अमाउंट ऑफ कोक जबकि सैंड यहाँ पर डाली है टू फॉर्म द स् जिसके बाद लाइटर वेट होगा इट विल भी कलेक्टेड फ्राम द अब साइड ऑफ द फर्नेस और ये जो बनते हैं यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड और पैरासल्फाइड वो मेड की सूरत में आ जाएंगे दे विल भी विदड्रॉन फ्राम द लोअर होल एंड दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग गोज़ ऑन सो ये था आज का मेरा लेक्चर अबाउट द स्मेल्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट बेस्मराइजेशन जिसमें हम लोग फर्दर आगे किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की यहाँ तक समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम हैव टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह